काफी सारी हॉलीवुड मूवीज वगैरह में भी मैंने देखा है, मतलब ऐसा ट्री लगा हुआ लाखों में, मतलब प्लांट्स की भी वैल्यू लाखों में रहती है। देखिए अभी फिलहाल राजस्थान में लॉकडाउन चल रहा है राखी के बाद से कुछ दिन का, तो सब सुनसान पड़ा, ऐसी है बात। देखो ये आ रहा है दूर से आकाश खुराना है, वीडियो चालू है अपना, हमेशा चालू रहता अपना वीडियो है। ये लॉकडाउन की वजह से बैठा इधर, और कुछ नहीं है, दुकान उकान जा जा, धंधा वंदा करो लॉकडाउन में। से पहले मेरे को सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और अभी जैसा कि आपने राखी वाले ब्लॉग्स देख ही लिए होंगे, राखी की शॉपिंग के राखी वाले ब्लॉग्स सब देख लिए। अब मैं हूं अभी फिलहाल कोटा राजस्थान में, तो अभी कोटा में फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है। रोज के 150-200 केसेस यहां पर आ रहे थे, तो इस वजह से यहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया, मतलब राखी के बाद से 2 दिन का लॉकडाउन है। यदि चेन टूटती फोन आ गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और फिलहाल जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे आप लोग से पूछा था, मेरे भैया हैं प्रमोद खत्री, बोनसाई ट्रीज बनाते हैं मेरे आसपास, जितने भी आप ट्रीज वगैरह देख रहे हैं अभी, बोनसाई ट्री बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, प्लांट ट्री बोलते हैं ना, हाँ, हालांकि इनका कद होता है छोटा, बट ये होते हैं ट्री, प्लांट के शेप में छोटे छोटे रहते हैं ये, बड़े अच्छे लगते हैं। तो जितने भी आप मेरी तरफ देख रहे होंगे सारे बोनसाई ट्री लगे हुए। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले एक आप लोग से पूछा था कि मैं बोनसाई ट्रीज पे व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला और आप लोग ने कहा कि बहुत सारी ट्री पे आप लोग बनाइए, तो आज मैंने सोचा बना लेते हैं। तो प्रमोद भैया मेरे हैं, वो लोग वो वहाँ पे खड़े उस साइड, वो सोच रहे हैं कि मैं कैसे आऊं, वो मुझे बोल रहे थे मुझे बोलना नहीं आएगा, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट बी नॉर्मल और जो भी आपके मन में आप बोलते जाने का। तो ये है प्रमोद खत्री भैया, और ये जो भी आप मेरे आसपास जितने भी प्लांट्स ट्रीज देख रहे हैं ना, ये सब इन्होंने ही लगाए हुए हैं, काफ़ी शौकीन है। हमारी फैमिली में ज़्यादातर मतलब भुआ जी हैं, पापा हैं, जितने भी हैं सबको प्लांट्स वगैरह का, हरियाली मतलब पेड़ पौधों का काफ़ी ज़्यादा शौक है, क्योंकि मुझे बचपन से मुझे खुद को काफ़ी ज़्यादा शौक था बोनसाई ट्रीज़ का। और अभी मैं काफ़ी टाइम बाद मुंबई से आया, तो मैं खुद यहाँ पर इनसे काफ़ी टाइम बाद मिला, तो इसी बीच में जो भी मतलब कितने टाइम से कर रहे हो आप ये? मुझे हो गया लगभग 5-7 साल, 5-7 साल से ये कर रहे हैं, और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था इनका कि हाँ ये कर रहे हैं, बट मेरे को जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो ये कुछ नई चीज़ है, तो आप लोग को भी कुछ जानने को मिलेगा, मुझे भी कुछ नई चीज़ जानने को सीखने को मिलेगी। तो अपन आज ज़्यादा जानकारी जानेंगे इन्हीं से, ये स्पेशलिस्ट हैं ये बोनसाई ट्रीज बनाने में, तो इन्हीं से आगे की बात चीता करेंगे अपन और जानेंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, बोनसाई ट्रीज क्या होते हैं। भैया का अपन इंटरव्यू लेते हैं यहाँ पर, इनको खड़ा करते हैं अच्छी लोकेशन पर, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे, तो यहाँ खड़ा करके इनसे बातचीत अपन करते हैं। कितने टाइम से कर रहे हो आप? मुझे 7 साल हो गए इसको करते हैं। 7 सालों से कर रहे हो आप, तभी मतलब इतना सब देखो कितना इन्होंने बनाया हुआ, तो ये 7 साल की मेहनत है आपकी, एक से बढ़ के एक ट्री लगाए हुए यहाँ पे। ये कहाँ की आर्ट है, मतलब बोनसाई ट्री वगैरह सब? ये जापानी कला है, जो इधर जापान में तो सब हर घर में होती है, अच्छा, यहाँ अब इंडिया में भी काफी जगह फैल गई है। ओके, तो लोग बाग इसको बहुत पसंद करने लगे हैं आजकल। बराबर, क्योंकि अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि होता क्या जो बड़े बड़े जो ट्रीज है, जैसे मान लो कुछ ऐसा ट्री है जो मतलब बड़े ट्री हो, उसको आपने छोटे में बनाया हो, जो बड़े बड़े रहते हैं वैसा कुछ। बड़ा है, बड़ा ट्री जो ये बरगद का जो, अच्छा ये बरगद है, हाँ ये बरगद का जो जिसकी शेप वही पुराने बरगद की तरह। हाँ हाँ हाँ, तो देखो बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है वो सोचो आप, एक बरगद से अपने ट्री में ये ट्रे में लगाया है, क्या बात है। बरगद वही ना जिसकी ऐसी वो डाले रहती है, ऐसे झूलते करते हैं, होती है उसमें निकली हुई, हाँ हाँ हाँ, चारों तरफ से। तो मैं लास्ट टाइम आया था तब आपने बताया था उसकी ऐसी डाले भी लटकी हुई थी, उसकी एक और है थोड़ा बड़ा है। हाँ ये देखो, ये देखो, मतलब बरगद का यदि पेड़ आपने देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी जड़ें ऐसी लटकी हुई रहती है, तो ये कुछ उसी तरीके से देखो, मतलब उसका ये बोनसाई है छोटा वाला, और कितना सही लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। ये इमली का है ये? हाँ। इसमें फ्रूट भी आते होंगे फिर तो? हाँ, ये थोड़ा सा जब सीजन आता है ना तब इसमें आता है। अच्छा, और ये जेड प्लांट है, ये जेड का बोनसाई है, इसको जैसा जेड चाहे मतलब? वैसा उस शेप में ढाल सकते हैं, मतलब आप इसको जैसा चाहे वैसे वैसे बदल सकते, आप जैसा शेप चाहोगे वैसा शेप हो जाएगा, ऐसा कैसे? ये बस वायरिंग के हिसाब से, अच्छा अच्छा, वायरिंग करके
बराबर। अच्छा मतलब ये बड़े ट्री के हिसाब से बनाना चाहें, इसको बेल के हिसाब से बनाना चाहें, वैसे बन अच्छा इसको बेल ट्री वगैरह कैसे भी बना सकते हैं। ये अलग तरह का प्लांट है, मतलब ये जो आपने ये वायर लगा रखे हैं, ये रैनी का प्लांट है। अच्छा जो जिसमें रैनी आती है वो शेप वही है, जो बड़ा पेड़ का जो रूप होता है ना वो छोटे छोटे रूप में डाला है। सही है, बढ़िया। तो क्या इसको लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे ये छोटे छोटे ट्रेज ऐसे इसी में लगाते हैं या फिर इसी में ही लगाना पड़ता है, क्योंकि दिखाने के लिए स्पेस दिखानी पड़ती है। हाँ, हाँ, अच्छा बड़ा पेड़ अपने छोटे से एरिया में बराबर। हाँ मतलब ऐसी छोटी ट्रे में रहता है ना, तो क्या इसका स्केल का अंदाजा लगता है, अच्छे लगता है देखने में। ये फाइकस है। फाइकस क्या होता है? फाइकस ये बाहर का कोई प्लांट है जिसका जिसकी रूट्स ऐसे रूट्स इसकी बाहर रहती होगी, बाहर रहेगी तो इससे लगेगा बहुत पुराना। हाँ काफी सारी हॉलीवुड मूवीज वगैरह में भी मैंने देखा है, मतलब ऐसा ट्री लगा हुआ और वहाँ पे हॉरर सीन वगैरह वो लोग बताते हैं पूरा। ये कितना सही लग रहा है, मतलब इसके नीचे से ऐसा सुरंग उरंग बन के ये सब देख के इतना अच्छा लगता है कि ये जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना उसका मिनिएचर टाइप में लगते हैं बोनसाई और देखने में काफी अच्छे लगते हैं। तो इसको लगाने का फायदा क्या है? आप घर में इंडोर रखो और आउटडोर रखो कैसे भी, और शोभा बढ़ाते हैं घर की। बराबर। हाँ मतलब आप आजकल ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि हाँ काफी लोग इंडोर प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, नए जो मकान बनेंगे उनमें लोग बाग रखते हैं। अपना नया घर बन रहा है, नए घर में अपन ये वाले प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, तो हमें भैया को भी बोल रहे लोग अपना तो मस्त काम हो जाएगा। तो यदि आप लोग को भी चाहिए हो कहीं से भी देख रहे हो, कहाँ कहाँ आप कहीं भिजवाते हो बाहर, यदि किसी को मंगवाना करना हो बाहर, अगर कोई ऑर्डर करेगा तो मेरे देख लो, यदि आप लोग को मंगवाना हो तो भैया की डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका पेज भी इंस्टाग्राम, और वहां पर आप जितने भी है ना पोस्ट वगैरह जितने भी फोटोज वगैरह है, मतलब एक एक प्लांट का फोटो लेके ट्री का एक एक ट्री का फोटो लेके उसकी डिस्क्रिप्शन वहां पे डालो, ये किस चीज का है, क्या है, कितना पुराना, तो फिर उस हिसाब से ताकि लोग आप लोग भी वहां पर देख सको, ज्यादा जानकारी मिल सके, और आप लोग वहीं पर इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज कर सको, आपको जो भी प्लांट चाहिए जो भी ट्री चाहिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सको। तो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप देखिएगा जरूर और कांटेक्ट जरूर करिएगा। बोनसाई में मैंने सुना कि मतलब ऐसा होता है कि जितना पुराना होता है उतना उसका कॉस्टिंग बढ़ता जाता है, उतना कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है, जितना साल पुराना होगा उतना कॉस्ट उसका बढ़ता है, लाखों में भी इसका है। क्या बात है, लाखों में मतलब प्लांट्स की भी वैल्यू लाखों में रहती है, क्या बात है। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यदि आप लोग को स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट करो, बोनसाई ट्री लगाओ और इन्वेस्ट करो। ये चंपा का है, किसी किसी को अपन चंपा बोलते हुए वाला ट्री है चंपा, ये अनार का है ना, वहा देखो फ्रूट भी आ रहे हैं इसमें, ये देखो ये अनार आ रहे हैं इसमें, एक अनार का ट्री कितना बड़ा रहता है वो सोचो, और इस छोटे से बोनसाई ट्री में अनार आ रहे हैं। मम्मी ने एक वो लगाया है ना आम, आम की गुठली, अभी आम का सीजन था तो खा खा के हम लोग उसमें गमले में गाड़ दिया था, तो उसका भी बोनसाई बन जाएगा। हाँ बनेगा। वाह, मतलब उस पेड़ का भी अपन बोनसाई बनाएंगे, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वो अपने घर में लगा हुआ। तो मतलब एक बार लेने के बाद फिर इसको वो मेंटेन करना, मेंटेन करना पड़ता है, इसमें खाद वगैरह वैसे डालनी पड़ती है, तो फिर अच्छा तो मेंटेनेंस इसका नॉर्मल है या फिर ज्यादा ज्यादा खर्चा नहीं होता। अच्छा। तो जैसे आपने बताया इंडोर भी रख सकते हैं, तो इंडोर इंडोर थोड़े टाइम के लिए, अच्छा ये तो सब बाहर ही रहते हैं बराबर। हाँ ये जो फ्रूट वाले जो है और ये सब जो बोनसाई बनते हैं ना सब बाहर ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन अपन को चाहिए थोड़ी शोभा बढ़ाने के लिए, 4-5 दिन अंदर रख के फिर वापस अपन बाहर ला सकते हैं उसको। अच्छा मतलब थोड़े दिन अंदर रख के फिर, और कुछ स्पेसिफिक होते हैं ना, जैसे ये वाला कौन सा बताया था आपने, ये जेट प्लांट है, जेट प्लांट ये अंदर रख सकते हैं, ये इंडोर हमेशा अंदर रख सकते हैं। भैया से जैसे मेरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने मुझे एक और चीज बताई कि अभी अपन ने ये प्लास्टिक, इन्होंने प्लास्टिक ट्रेज में लगा रखा है, तो ये कम इन्वेस्टमेंट में बना रखा है, बाकी यदि इसमें सिरेमिक ट्रे आती है उसके अंदर यदि इसको लगाते तो और इसकी शोभा बढ़ जाती है और मस्त लगते हैं सारे ट्रीज। तो आप लोग को चाहिए तो आप लोग सिरेमिक ट्रे में भी लगा सकते हैं, भैया को बोल सकते हैं तो सिरेमिक ट्रे में भी लगा के दे देंगे। ये है जैसे जेट प्लांट, इसको सिरेमिक की ट्रे में लगा के देंगे तो काफी सुख। हाँ उसके मतलब ये मान लो इसके भाव भी बढ़ जाएंगे। तो अब देखो हर चीज जो आके अटकती है वो एक ही जगह पे अटकती है, बजट। यदि बोनसाई ट्रीज आपको खरीदने हैं तो भैया से ही पता कर लेते हैं कि कौन सा ट्री किस रेंज का है, कितने तक का पड़ जाता है, क्या है, तो क्योंकि इसके पीछे काफी मेहनत लगती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोग को बता दूं, यदि एक एक ट्री को बनाने के लिए कितना टाइम लग जाता है, वो मुझे बनाने में साल से ज्यादा लग गया। इस वाले जेट प्लांट इतना सा जेट प्लांट है, इसको बनाने के लिए भैया को साल भर लग गया। साल भर लग गया। और इसका क्या कॉस्ट वगैरह रहेगा? 500 में 500 बोलो, मतलब साल भर इसके पीछे इन्वेस्ट किया है और टाइम लगाया है, अपना समय दिया है, सब दिया है, और 500 में
तो और इसको 500 में दे रहे हैं तो दैट इज वेरी रिजनेबल कॉस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली यदि साल भर इसके इस ट्री के पीछे साल भर लगाया तो ये वर्थ है। इसको यहाँ आके मजा आ जाते दीदा को, वो उधर खेल रही है ऊपर देखो। अलग तरह का फाइकस है, इसमें कलर पट्टियां आती है और ये सिंपल वाला फाइकस है। अच्छा। दोनों को ग्राफ्ट करके फिर बनाया गया, जो फिर उसका बोनसाई बनाया। एक ही ट्री में दोनों पत्तियां आएंगी? हाँ, दो। हाँ, एक क्या बात कर रहे हो, पत्तियां आएंगी है। ये जोरदार है। हाँ, ऐसा फूलों में भी होता है। अच्छा अच्छा, अभी वो हुआ नहीं। मतलब ऐसा अपन चाहे तो मतलब दो ट्री को मिक्स करके बना सकते हैं, एक ही पौधे में दो तरह के फूल ला सकते हैं। क्या बात है, जोरदार। ये नई चीज पता चली मेरे को। हाँ, नहीं, ये ग्राफ्ट करके हो जाता है। अच्छा, जंगल जलेबी का है अभी ये प्रोसेस में, अभी तो इसका बनने का। अच्छा, मतलब ये जो वायर आपने डाल रखा है फिर इसी वायर के शेप में जाएगा, इसी वायर के शेप में ले लेगा फिर वो। तो इसमें भी फ्रूट वूट आता है क्या? फूल आता है? जंगल जलेबी आती है, मतलब क्या खाने की चीज है जंगल जलेबी? जंगल जलेबी खाने की जंगलों में काफी मिलती है। मैंने तो नहीं देखा, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। जंगल जलेबी जलेबी की तरह ही। आपने खाया? मिनी जंगल भी बना रखा है, मतलब ये यहाँ पे ट्रे है थर्माकोल की और इसके अंदर ही सारे अलग अलग वेराइटी के ट्री और प्लांट्स वगैरह सब लगा रखे। वाह, और काफी वेराइटी है, मतलब इसके अंदर अलग अलग टाइप के इसमें सारे ट्रीज लगाए हैं। सबसे पुराना बोनसाई कौन सा आपके पास? सबसे पुराना वही बरगद है, मतलब ये 15 साल पुराना है, ये 15 साल पुराना बरगद का ट्री है ये। और ओरिजिनल यदि साइज का होता, यदि ओरिजिनल बरगद होता बाहर कहीं लगा हुआ तो वो तो जमीन में तो काफी बढ़ जाता है, वो तो कितना बड़ा होता फिर वो। बाप रे, ये है खतरनाक है, छोटे छोटे से पर है खतरनाक। ये मस्त लग रहे ना ये वाले। अच्छा, इसका भी कई लोग बहुत कलेक्शन करते हैं। स्पेसिफिकली कैक्टस ही लगाते लोग? हाँ, कई लोग तो क्या कैक्टस ही कैक्टस लगाते हैं। ये भी कैक्टस है? ये भी कैक्टस। साइकस पाम है, चाहे तो इसका भी बोनसाई बन सकता है। ये रियल साइज है? अच्छा, इसका बनाने वाले हो आप थोड़े टाइम बाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, और यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें जानने को मिली जो चीजें लिटरली मुझे पता नहीं थी, और यहाँ पे आने के बाद भैया से मैंने जानकारी मिली। यदि आप लोग को भी ट्री चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल उनका डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं ज्यादा लोड नहीं लेने का, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करते हैं। आज भैया भी अपने साथ बोलेंगे। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।